हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल ड्राइंग 78। बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे बैगन का चित्र बनाना। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले डंठल बनाएंगे। ध्यान रखते हैं कहीं पर मोटाई कम कहीं ज़्यादा ना होने पाए, आर पार बराबर मोटा दिखना चाहिए। यह वाहदल होते हैं जो कि कली की अवस्था में पहले होते हैं, बाद में इसी पर चिपके रह जाते हैं। अब देखिए, यहाँ दूर पेंसिल रखते हैं और धीरे धीरे उसी में मिला देते हैं। इधर भी दूर पेंसिल रखकर धीरे धीरे उसी में ले जाकर मिला देते हैं। बची हुई जगह में एक या दो और बना देते हैं। अब देखिए कैसे इसके बीच से बैगन निकला हुआ है। जो कि नीचे जैसे जैसे आता है वैसे वैसे चौड़ा होता जाता है। इस प्रकार देखिए, जो गलत रेखाएं थी उनको साफ कर देते हैं और सही रेखाओं को थोड़ा गाढ़ा कर लेते हैं। इस प्रकार देखिए बैगन का चित्र बनकर तैयार हो गया है, जिसमें अब हम छाया प्रकाश दिखाएंगे। छाया प्रकाश दिखाते समय ध्यान रखते हैं किनारे की ओर ज़्यादा छाया, बीच की ओर कम रखते हैं। देखिए किनारे की तरफ पेंसिल की नोक करते हैं और थोड़ा दबा कर रगड़ते हैं, और यह दबाव बीच की ओर जैसे जैसे आएंगे कम होता जाएगा। यहाँ पर देखिए ज़्यादा ही काला दिख रहा है। जैसे जैसे अंदर की ओर आ रहे हैं दबाव पेंसिल का हम कम करते जा रहे हैं, और बीच की ओर आते हैं तो बिल्कुल ही दबाव खत्म कर देते हैं। इसी प्रकार देखिए इधर किनारे की ओर पेंसिल की नोक करके ज़्यादा काला करते हैं। जैसे जैसे बीच की ओर आएंगे दबाव इसका कम करते जाएंगे। इसी प्रकार सभी ओर काला कर लेते हैं। इस प्रकार देखिए हमने बैगन में छाया दिखा दी है, हल्की फुल्की छाया यहाँ पर भी दिखा देते हैं। इस प्रकार डंठल में भी देखिए कुछ हिस्से पर छाया, कुछ हिस्से पर प्रकाश पड़ रहा है। तो इस प्रकार देखिए बच्चों, हमारा बैगन का चित्र बनकर तैयार हो जाता है। इसके किनारों को एक बार और गाढ़ा कर देते हैं ताकि हमारा चित्र देखने में और भी आकर्षक लगने लगे। तो इस प्रकार देखिए बच्चों, हमारा बैगन का चित्र बनकर तैयार हो जाता है। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक करें तथा दोस्तों को शेयर भी करें। धन्यवाद।